नगरा प्रखंड के मदन बीघा एनसीपी पंचायत में मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मिलीभगत कर योजना की राशि गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। मदन बीघा पंचायत के पूर्व मुखिया नारायण प्रसाद ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया महादेव राम एवं मुखिया के समर्थक जितेंद्र कुमार यादव पर मिलीभगत कर पंचायत की योजनाओं को पैसे को लूट एवं गबन करने की जानकारी जिला पदाधिकारी गया एवं उप विकास आयुक्त गया को दी है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि चदौती प्रखंड के मदन बीघा पंचायत को 2016-17 में ODF मुक्त कर दिया गया था और इस पंचायत को स्वस्थ भारत मिशन के द्वारा इनाम भी दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक प्रोत्साहन की राशि नहीं मिल पाई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया के मिली भगत से पैसे को खाते में डालकर निकाल लिया गया है और आवेदकों के द्वारा फर्जी तरीके से अंगूठे का निशान मशीन पर लगवा दिया गया, जिसकी शिकायत जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को की गई, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। उस पंचायत में हो रहे घोटाले की जानकारी जब पूर्व मुखिया ने वर्तमान सरपंच रामेश्वर प्रसाद को दी तो रामेश्वर प्रसाद ने अपने स्तर से जांच में पाया कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने अपने आवेदन में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराया कि PCC का निर्माण पैन भर कर किया गया है जो नियम कानून के विरुद्ध। साथ ही बताया जा रहा है कि सिमरिया में सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया गया, उसमें काफी अनियमितता है, उसके बावजूद भी राशि की निकासी कर ली गई है। ऐसे कई मामले निकासी के सामने आए हैं। इस पंचायत में इस तरह की कई गड़बड़ियां हैं जो जांच होने के बाद सच्चाई सामने आई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नरेगा के तहत कौन कौन सी घोटाले हुई या किन लोगों के द्वारा हुई? मनरेगा में पेड़ जो लगाया गया उसमें अभी जाके वर्तमान में देखिए एक भी पेड़ नहीं है और 3 लाख रुपया निकासी हो चुका है, 3 लाख रुपया गबन कर लिया। मजदूरी के नाम पर कोई मजदूर बहाल नहीं किया, मजदूरी के नाम पर मजदूरा का पैसा निकाल लिया गया है। शौचालय योजना में कुछ ईटा और कुछ सीमेंट थोड़ा सा दे करके पब्लिक को और कहा गया कि तुम्हारा शौचालय बनेगा, लेकिन एक मशीन लाया जिससे अंगूठा लिया और उस अंगूठे के बाद अंगूठा के निशान से उसका पैसा निकाल लिया गया। इसको पता भी नहीं है कि मेरा पैसा खाते में आया या नहीं, इसका फर्जी ढंग से सब पैसा निकाल करके माफिया लोग खा गए और उसका शौचालय अधूरा पड़ा है। बहुत कुछ आदमी को पूरा के पूरा पैसा निकल गया, लेकिन अभी तक के मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। पंचायत ODF होने के बावजूद भी हमारे पंचायत के लोग बाहर ही शौच के लिए जाते हैं, इसके लिए शौचालय बना नहीं। इसके लिए आपने स्थानीय जो वीडियो है जो अधिकारी है उन लोगों को सूचित किया है क्या? हाँ, वीडियो को करीब 20 आवेदन वीडियो के स्पेशली दिए जिसका रिसीविंग पेपर मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ एक कार्रवाई दबाव पर किए कि BPRO को जांच दिए, BPRO ने जांच करके रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टे कुछ कार्यों में RTI से मांगने पर काम लगाया है ताकि मामला रफा दफा कर दिया जाए, और वैसा काम जिसका ज़रूरत नहीं है, उसमें चौखा ठेकेवाड़ी है, फर्श बना है, दीवार बढ़िया है, फिर भी उसका मरम्मती करा रहे हैं। तो इसके वरीय पदाधिकारी को आपने सूचना दिया है क्या? वरीय पदाधिकारी को हमने DDC DM कमिश्नर को दिए, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आवेदन कब दिए हैं? आवेदन दिया हुआ करीब 15 दिन हो गया है। 15 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण प्रसाद, मदन बीघा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। मदन बीघा, ये जो ट्यूबवेल बंद पड़ा है कितने दिनों से बंद पड़ा? ये 30-32 वर्ष हो गई सर। 30-32 साल हो गया जी। इसके लिए आप लोगों ने जो यहाँ का स्थानीय मुखिया है उन लोगों को कभी ये बात बोला कि हमारी खेती का पटवन कैसे होगा, क्यों बंद है? सरकार इसको पटवन के लिए लाई थी और पहले भी 11,000 थोड़ा सा लाइन के दिक्कत होती थी, इसलिए तार कट गया था, कोई पब्लिक भी ध्यान नहीं, पंपिंग से किसान था उसी से गरबस कैसू हूँ उपजा लेते थे, लेकिन 2003 या 2 में ट्रांसफार्मर लाई गई, उससे लाई गई बैठाई गई, उसके बाद जी क्या हुआ कि तार भी टना गई लेकिन मोटर सुझाव से चालू ना हो सका, उसी बीच में तार कट गई तो तार नहीं टना सका, उसके बाद 2 साल के बाद वो ट्रांसफार्मर का तेल भी ढार के चोर लोग ले भागा।
चाकन थाना में भी अथी एफआईआर कर दिया गया। इसका जो ऑपरेटर थे यहाँ के और के थे वो भी जो है से कि ओपी थाना में और नलकूप विभाग में। पंचायत के सर हम योजना पर बोलेंगे, हमारे पंचायत में जो योजना का घोटाला हो रहा है, गबन हो रहा है, उस पर हम बोलेंगे। बोलिए। हमारा पंचायत मदन बीघा के महादेव राम मुखिया जो है, वो गबन और घोटाला और लूट ये तीनों चिकिए हैं। जैसे हमारे टी बॉल है, ये बता दिए सरकार के नज़र में कि हम टी बॉल चालू कर दिए हैं, पब्लिक का नज़र में है ही नहीं कि कभी चालू हुआ है, 200 वर्षों से टी बॉल बंद है। उसके बाद इन लोग कोई बोलते हैं 32 वर्ष 20 वर्ष बोले कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना।